पल पल न्यूज के प्राइम टाइम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, और चर्चा का विषय बनने का उनका कारण भी है क्योंकि जो फैसले उन्होंने आते ही ले लिए वो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ चुके हैं जिन्होंने 4 साल रह करके एक खास समुदाय के लिए रणनीति बनाई और देश में नफरत का माहौल एक खास समुदाय के लिए बनाया। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जिन मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते थे, जिन मुसलमानों से चिढ़ते थे और अपने कैबिनेट के आसपास भी नहीं आने देते थे, व्हाइट हाउस में जगह नहीं देते थे, उन लोगों को बाइडेन ने मंत्री बना दिया है। और बाइडेन ने उनके मंत्री बनाते ही उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो इस्लामोफोबिया बढ़ाने में यकीन रखते थे। और बाइडेन के इस कदम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है क्योंकि बाइडेन सरकार की कैबिनेट की लिस्ट पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है और इनमें 12 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। जिन 12 मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है एक बार उस पर नजर डालिए, फिर तफसील से पूरी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद काम शुरू करने से पहले व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें हमारे सामने मौजूदा संकट से निपटना है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जिनमें कोरोना महामारी से निपटने में सरकार को मदद मिलने संबंधी ऑर्डर भी शामिल है। आपको बता दें कि ट्रंप अपने शासनकाल में जिन मुसलमानों से चिढ़ते थे और अपने कैबिनेट में देखना पसंद नहीं करते थे उन्हें बाइडेन ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। नए अमेरिकी प्रशासन में विभिन्न पदों पर 12 मुस्लिम अमेरिकियों का चयन किया गया है जिसका नेतृत्व जो बाइडेन कर रहे हैं। इतने सारे मुस्लिम चेहरों को शामिल करना इस बात को दर्शाता है कि आगामी 4 वर्षों में नई सरकार किस तरह से काम करने वाली है। बाइडेन को विभिन्न समूहों से जोड़े व्यक्तियों की एक टीम बनाने के लिए सराहना मिली है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। साथ ही उनकी 2 डेमोक्रेट सोनल शाह और अमित जानी को बाहर रखने को लेकर भी प्रशंसा हो रही है जो भारत के हिंदू दक्षिणपंथी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन भी है। जिन 12 मुस्लिमों को शामिल किया गया है उनमें आयशा शाह डिजिटल रणनीति के व्हाइट हाउस कार्यालय में भागीदारी प्रबंधक है, तो वहीं समीरा फाजिली यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उजरा जोया नागरिक सुरक्षा लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए राज्य के अवर सचिव हैं, तो अली जैदी उपराष्ट्रीय जलवायु सलाहकार हैं, तो जैन सिद्दीकी व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है, रिमा डोडिन व्हाइट हाउस ऑफ लेजिस्टिव अफेयर्स की उपनिदेशक है, मेहर बिटार इंटेलिजेंस के वरिष्ठ निदेशक व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सलाहकार हैं, तो वहीं सामिया अली डिप्टी एसोसिएट वकील हैं, सलमान अहमद नीति नियोजन निदेशक विदेश विभाग संभाल रहे हैं, तो फारूक मीठा रक्षा उप सहायक सचिव हैं, तो दान शनाथ व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कानूनी मामलों के सलाहकारों में से एक है, तो वहीं साइमा मोहसिन पूर्वी जिला अटानी के लिए अमेरिकी अटानी बनी है, तो समीरा फाजली कश्मीर में जन्मे डॉक्टर दंपत्ति मोहम्मद यूसुफ फाजली और रफीक फाजली की बेटी हैं जो मूल रूप से गोजवाड़ क्षेत्र के हैं। वहीं कश्मीर में जन्मी महिला आयशा शाह ने व्हाइट हाउस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी में एक वरिष्ठ पद हासिल किया है। और तो और गौर करने वाली बात यह है कि बाइडेन ने अप्रवा
आवासन संबंधी ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन घोषणा, जिनमें मेक्सिको की सीमा के साथ एक दीवार के निर्माण में मदद करना और 13 देशों पर से यात्रा प्रतिबंध हटाने का किया है, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक देश और अफ्रीकी देश शामिल हैं। ट्रंप ने कई मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों से मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था और उसे बाइडेन ने हस्ताक्षर कर कैंसिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन ने जिन 12 मुस्लिमों को जगह दी, उन 12 मुस्लिमों के नाम सामने आ चुके हैं कि इनको क्या क्या पद दिए गए, वो भी सार्वजनिक हो चुका है। पर इसमें चर्चा का विषय यह है कि जिनसे डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा नफरत करते थे, जिन मुसलमानों से, उन्हीं को कैबिनेट में जगह दी गई है। कैबिनेट में जगह देने से दुनिया भर में बाइडेन सरकार की तारीफ हो रही है, तो वहीं उन लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं जो बाइडेन जो लगातार इस्लामोफोबिया बढ़ाने में यकीन रखते थे। डोनाल्ड ट्रंप तो जा चुके हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जिन लोगों ने एक खास रणनीति बनाई और दुनिया भर में एक अराजक तत्व का माहौल बनाया, उन लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं बाइडेन। क्योंकि जो बाइडेन ने जिस तरह से कश्मीर की दो लड़कियों को अपनी कैबिनेट में जगह दी, आयशा शाह और समीरा फाजली, वो ये दर्शाता है कि उनका रुख भारत में 370 को लेकर के जो मोदी सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया उस पर अपना रुख दर्शा दिया, जिनको अलग दुनिया से दिखाने में लगी हुई है मोदी सरकार, उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा चढ़ दिया कैबिनेट मंत्रालय में जगह देकर के। और सबसे बड़ी बात इस कैबिनेट की यह है, जो 12 मुस्लिम शामिल किए गए हैं वो सिर्फ अमेरिका या हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें भारत भी है, जिसमें तमाम मुल्कों के लोगों को शामिल करके एक मैसेज देने की जो बाइडेन सरकार ने कोशिश की है कि अगर साथ में आकर के लड़ा जाएगा तो यकीनन जीत तय होती है। क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब एक देश के प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक बन के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में गए और अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगाए, और जब ट्रंप की सरकार के नारे लगाए तो आज देश की परिस्थिति क्या है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि ये देश की आजादी के बाद पहली बार है कि अमेरिकी सरकार ने गणतंत्र दिवस की भारत सरकार को बधाई नहीं दी, और जब अपना कड़ा रुख जो बाइडेन दर्शा चुके हैं, बता चुके हैं कि वो किस रुख में अपनी सरकार को लेकर के जाना चाहते हैं, तो उन लोगों में खलबली मची हुई है जो लगातार एक नफरत भरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आते ही पहले 12 मुस्लिमों को जगह देना और फिर उस दौरान ये खबर बाहर आना के दो जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे उन्हें कैबिनेट से निकाल करके बाहर करा था, जो कि ट्रंप सरकार के काफी करीबी थे, सोनल शाह और अमित शाह ने उनको बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी जो बाइडेन सरकार, और दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है, और जो बाइडेन ने अपना कड़ा रुख दिखा करके ये जता दिया है तमाम उन सरकारों को जो एक नफरत भरे एजेंडे पर काम कर रही हैं। पर चर्चा का विषय यहां यह रहेगा कि आने वाले समय पर किस तरीके से अपनी सरकार को उच्च स्तरीय लेवल पर लेकर के जाती है अमेरिकी सरकार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस स्तर को गिराया है उसे फिर से खड़ा पाना जो बाइडेन के लिए एक नई चुनौती है, और विदेशी नीतियों को लेकर के किस तरीके से रुक रहेगा यह भी चर्चा का विषय बाइडेन सरकार के लिए बना हुआ है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।